तो आज है ना IQOO Z9 का BGMI टेस्ट करेंगे फिर से, क्योंकि है ना नया अपडेट आया था 3.3 की अपडेट में आप लोगों ने देखा कि ये फोन पे FPS के बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, क्योंकि 3.2 में बहुत स्मूथ और मस्त 60 चला रहा था और 3.3 में थोड़े से ड्रॉप हो गए, और 3.4 में भी क्या वो इशू अभी भी है या नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और स्मूथ पर 60 FPS यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिंग मिलती है IQOO Z9 की, वो यहाँ पर हम लोग अभी टेस्ट करके देखते हैं और लेट्स सी FPS में ऊपर नीचे कुछ हुआ या नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा। चलो TDM स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अभी के लिए तो 60 FPS देखने मिल रहा है। थोड़ी देर अगर गेम प्ले करोगे भी तो वहाँ पर ऐसा था कि पहले भी TDM पे तो अच्छे FPS दे ही रहा था, ऐसे कोई ज़्यादा रोना होता नहीं, और मोस्ट ऑफ ऐसे TDM पे ज़्यादा किसी के फ़ोन के ना FPS गिरते भी नहीं है। कोई बहुत ही बुरा फ़ोन होता है कभी कभार जहाँ पर उसके FPS गिर जाते हैं। भाई रुक रुक रुक, तो ये को तो निपटाऊंगा, ए मेरे को निपटा दिया, ये गलत बात है, ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ना तुम लोग के लिए तो कर रहा हूँ, तुम लोग भी तो कभी वीडियो देखोगे मेरा कोई बात नहीं। TDM पे तो मैंने खेल के देखा है फ़ोन को, मुझे तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था, जायरो वगैरह भी अच्छे से स्प्रे वगैरह कंट्रोल कर रहा था, और Z9 आपको भी पता होगा 3.3 की अपडेट के पहले कितना तगड़ा था, 3.3 की अपडेट में थोड़ा सा इशू आया, पर ये देखो ये भाई अपने सब्सक्राइबर मिल गए गेम के बीच में, क्या बात है भाई क्या बात है, लेकिन ये इनके बंदे ही मारेंगे अपने को तो क्या ही बोल सकते हैं देखते वापस मुलाकात होती है क्या। देखो एक भाई तो कूद रहा है पर इसके टीममेट थोड़े से नालायक है, वो मार रहे हैं तो अभी क्या ही बोलने का भाई, नो बैदा, देख देखिए बंदा मार नहीं रहा ना, क्या बात है भाई क्या बात है, थैंक यू भाई थैंक यू कोई बात नहीं भाई, ऐसे आप लोग है ना सपोर्ट किया करो यार, मतलब जितना हम लोग यहाँ पर डिटेल में रिव्यू निकालते हैं आप लोग के लिए गेमिंग पार्टशाला पर, तो आज लिटरली मैंने आज तक कोई भी पेड कोलैबोरेशन वगैरह नहीं किया है, जो भी वीडियो दिया है अपने खुद से दिया है, खुद का रिव्यू, खुद का पैसा डाल के फ़ोन बाय करके आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूँ, तो फटाफट मस्त में एक बार सब्सक्राइब दबा देना इसी वीडियो पे, सब्सक्राइब दबाओगे आपके भाई को मस्त एक एफर्ट मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो एक बार बस सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो भाई लोग इस वीडियो पे एटलीस्ट 1500 लाइक कर देना। वो कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा कि जब आप 1500 लाइक कर दोगे तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अगर IQOO Z9 का लाइव FPS टेस्ट के साथ में वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए बस एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, बस वो कंप्लीट करवा देना, या फिर लाइक का टारगेट दे रहा हूँ वो भी कंप्लीट करवा देना, ज़्यादा नहीं 4000 लाइक का टारगेट है बस वो दे रहा हूँ करवा देना ठीक है। और अगर आप 1500 सब्सक्राइबर कर ही दोगे इसमें तो भाई काफ़ी मज़ा आ जाएगा, तो एक एक करके सब्सक्राइब दबा देना यार ठीक है। तो यहाँ पर TDM का गेम प्ले चलने देते हैं, TDM से बाद में सीधा अभी रैंगल पे आ गए और अभी जैसे ही ड्रॉप हुए तो हवा का एनिमेशन, मतलब जो हवा में है तो उतना तो लाइक यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, लेकिन जैसे लैंड होंगे वहाँ पर हमको देखना है कि FPS में कुछ गुदगुदी होती है कि नहीं पता चल जाएगा। अभी देख ले रहा कि भाई कितने बंदे हैं, 29 बंदे उतर चुके भाई, 40 FPS, 34 FPS, कितना आ रहा भाई साहब, 40 FPS, 39 बाबू, 30-33 बंदे आसपास में हैं और FPS थोड़े से फ्लक्चुएट तो हुए हैं भाई सिंपल, तो वही कहानी जो मुझे लग रहा था कि परफॉर्मेंस अभी तेरी तो अरे निपटा दिया रे।
तो एक बात सिंपल है यार, अभी इतना मैं समझ गया हूँ कि 40 FPS अगर आपको आ रहा है, मोस्ट ऑफ 40-45 FPS अगर आपके आसपास में बंदे हैं अपडेट्स के बाद में। लिटरली BGMI की अपडेट 3.2 तक तो मस्त चल रहा था, 3.3 में थोड़े से FPS दिखे थे मेरे को। तो ये एवरी टाइम का FPS का सीन नहीं है, ये FPS तब के होंगे जब आपका आसपास में इवेंट पे होंगे, बंदे ज्यादा होंगे, तो वहां पर आपको 40 तक के FPS देखने मिल सकते हैं। चलो एक बार और कूद रहे हैं, और यहाँ पर तो इस बार 34 बंदे, लास्ट मैच से भी थोड़े से 4-5 बंदे ज़्यादा है, तो 40 तक के FPS आ रहे हैं भाई, सिंपल है। तो अभी तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये फ़ोन 40 FPS देने लग गया है जब अगर आपके आसपास में एनिमीज ज़्यादा होते हैं तो, ठीक है। चलो अभी आप लोग गेम प्ले देखो, मैं ज़्यादा बीच में बड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है। और सबसे लोएस्ट FPS आपने कौन सा देखा, कहाँ देखा, टाइम स्टैम्प के साथ ज़रूर मेंशन ज़रूर करना। और आपको क्या लगता है कि IQOO Z9 मतलब जो 40 FPS के आसपास की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये BGMI ने अपडेट के थ्रू इसे ख़राब किया है, या फिर क्या सीन होगा, आपका क्या थॉट होगा, आप में से कोई IQOO Z9 अगर यूज़ कर रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर वो बात बता देना, ठीक है भाई लोग। नाउ गेम प्ले देखो आप। तो एक बात तो मेरे को समझ गया कि जब बंदे आसपास में बहुत ज़्यादा होते हैं तो FPS नीचे जा रहे थे, बट अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ या आपने पूरे मैच के अंदर देखे हो गया कि इवेंट के अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो FPS लिटरली 50 और 60 के बीच में ही देखने मिल रहे थे मोस्ट ऑफ टाइम आपको। ये कैसा मार रहे है? तो देखो यहाँ पर कुछ बंदे हैं बट FPS मेरे हिसाब से फिर भी अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो बात तो सिंपल है, जब आप इवेंट वगैरह पे कूद रहे हो तो आपको FPS में थोड़ा ऊपर नीचे वाला फ्लक्चुएशन, 30 से 40 FPS वाला जो फ्लक्चुएशन है वो देखने मिल रहा है, वरना पूरे लॉबी में अगर हम लोग इसको चला रहे हैं तो वहाँ पर तो लाइक 60 वाली बातचीत देखने मिल रही है, लाइक एकदम कॉन्स्टेंट तो नहीं है बट हाँ देखने ज़रूर मिल रही है। अरे निपटा दिया अरे। सो भाई आप लोगों को क्या लगता है अभी कमेंट में ज़रूर बता देना कि IQOO Z9 अभी आपको कैसा लग रहा है, स्टिल आप
मतलब आपको लेना चाहिए, या फिर आईकू Z9S ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि Z9S ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस करवा रहा है। भले वो गेमिंग फ़ोन नहीं है बट फिर भी वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा करवा रहा है। अगर आप लोगों को आईकू Z9S का लेटेस्ट अपडेट के साथ में वीडियो देखना है तो भाई इस वीडियो पे फिर 4 नहीं फिर 5,000 लाइक ठोको, या फिर जो 1500 का जो सब्सक्राइबर टारगेट है वो करवा देना। जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना, मैं आप लोग के लिए बिना बोले आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और साथ में जो आईकू Z9 का लाइव FPS टेस्ट अगर देखना होगा तो वो भी कर दूंगा। तो बात सिंपल है भाई, यहाँ पर इवेंट पे जब कूद रहे हो तो 40 FPS मिल रहा है मोस्ट ऑफ टाइम, पर अगर आपके पास एनिमीज वगैरह थोड़े से कम है तो वहाँ पर आपको लगभग 50-60 वाली गेम प्ले करने मिल जाती है, जो कि 20,000 में आप कंसिडर कर सकते हो। तो एक घंटे की गेमिंग के बाद में फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा लाइक नॉर्मल ही था, 37-36 डिग्री है, और बैक साइड में भी देखोगे तो समवेयर 35-36 है, और रूम टेम्परेचर भी लाइक नॉर्मल अपना वही सेम था, 29 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा जो गेम प्ले देखा है, एक बात तो कंफर्म है कि जहाँ पर इवेंट है वहाँ पर जब बंदे आते हैं तो FPS आपके 40 तक भी नीचे आ जाते हैं, जो कि पहले नहीं हो रहा था 3.3 में, तो वो इशू देखने मिल ही रहा था। बाद में अगर आप नॉर्मल कहीं घूमते हो तो नॉर्मली 60-55 वाला गेमिंग करने मिल जाता है। तो यहाँ पर पूरा जो टेस्ट था FPS मीटर के साथ में, कहाँ ऊपर नीचे सारे FPS, वो आप लोग ने देख लिए। अभी आपके क्या थॉट्स हैं आईकू Z9 को लेकर कमेंट में जरूर बता देना। अगर इसी तरीके का अपडेट वाला जो अभी नई अपडेट आई है तो उसमें आईकू Z9S कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका वीडियो देखना चाहते हो, जो मैंने आपको पूछ रहता हूँ, तो इस वीडियो पे एटलीस्ट आपको सब्सक्राइब दबाना है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो जो कि आप सब्सक्राइब दबा दोगे तो मुझे दिख जाएगा बैकएंड पे, और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर बैकएंड में मुझे दिखना चालू हो गया, मैं वीडियो आपके लिए तुरंत का तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट सब्सक्राइब दबा देना और लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। बाकी एक वीडियो ये रही, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब ये रहा, फिर से दबा रहा नहीं किया तो दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।